न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया को रोकने के लिए जनपद में न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीबी की तीनों डोज निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस टीके का प्रत्येक डोज निजी अस्पतालों में करीब 3,000 रुपये में लगता है, लेकिन अगस्त महीने से यह सभी सरकारी अस्पतालों और एएनएम सब सेंटर पर निःशुल्क लग सकेगा। यह जानकारी देते हुए गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस टीके को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में 8 अगस्त से शामिल किया जाएगा। पहले 11 टीके निःशुल्क लगाए जाते थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 110 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को 3 अलग अलग बैच में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षित लोग आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम को ब्लॉक पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशिक्षण देंगे। इस दौरान उन्होंने जन समुदाय से अपील की है कि लोग आगे आकर बच्चों को यह टीका लगवाएं, क्योंकि देश में हर साल इस निमोनिया से 1.5 लाख बच्चे जान गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि देश में 5.6 लाख बच्चे न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया के कारण होने वाले निमोनिया से गंभीर तौर पर बीमार हो जाते हैं, जो चिंता का विषय है। शासन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर जनपद के भी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी को शामिल किया है। टीके की 3 अलग अलग डोज बच्चों को क्रमशः 1.5 माह, 3.5 माह और 9 माह की आयु में लगाए जाएंगे। निजी क्षेत्र में इन्हीं डोज के लिए लोगों के 10 से 12 हज़ार रुपये एक साल में खर्च हो जाते थे और आर्थिक तौर पर असमर्थ लोगों के बच्चे इन टीकों से वंचित रह जाते थे। इस टीके से संबंधित सभी प्रशिक्षण 8 अगस्त के पहले पूर्ण करा लिए जाएंगे और समुदाय में इसका प्रचार प्रसार भी करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, अभी हमारे जनपद में भी पीसीवी वैक्सीन शुरू कर दी गई है, जो इससे बचाव के लिए बच्चों में लगाई जाती है। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पीडियाट्रिशियंस इसको यूज़ कर रहे थे, भारत सरकार की तरफ से निर्देश मिलने के, वैक्सीन मिलने के बाद हमने अपने गोरखपुर में भी इसको शुरू किया गया है, जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के साथ ही साथ बच्चों को लगेगा और वो निःशुल्क होगा। वैसे बाज़ार में ये 1500 से 1600-1800 रुपये पर वैक्सीन लोगों को पड़ती है, वो हमारे सरकारी तंत्र में फ्री रूप से लगाई जाती है। तो इसके लिए कितनी टीमें लगाई गई? वो जो हमारी इम्यूनाइजेशन की टीम है, जो वेंसडे और सैटरडे इम्यूनाइजेशन का कार्य करती हैं, वही टीमें हैं। उन्हीं टीमों में एक वैक्सीन और अधिक हो गई, जोड़ दी गई।